मैं यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से JEE 2026 की वीडियोस बना रहा हूँ और इवन JEE 2027 की वीडियोस भी बना रहा हूँ। और ऐसे में आई थिंक कई लोगों को एक फियर ऑफ मिसिंग आउट कहीं ना कहीं डेवलप हो जाता है कि यार हम इतने एडवांस स्टूडेंट्स हैं ही नहीं। बिकॉज आप 9th 10th के बैच में यार एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पे कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ओवर अचीवर होते हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया होता है, राइट। एंड यूजली बाकी बच्चे इतने अवेयर नहीं होते हैं। ये डिफरेंसेस 11th 12th में जाके मिट जाते हैं क्योंकि 11th 12th में सब बच्चे अच्छे लेवल की प्रिपरेशन जेई की प्रेप कर रहे होते हैं। तो जो इवन ब्राइट या पोटेंशियल वाले स्टूडेंट्स थे हु आर नॉट स्टडिंग दे ऑल्सो बिकम वेल, ओके। वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं। लेकिन 9th 10th में क्या है यार कि पढ़ाई की भी थोड़ी लैक होती है और इतनी कोई बड़ी एग्जाम एग्जिस्ट भी नहीं करती है 9th 10th में, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा प्रेप करें। तो इसलिए कई बार जो बच्चे कुछ एग्जाम निकाल लेते हैं उनको देख के हमें फील होता है यार कि हम मीडियोकर तो नहीं है, क्या हमारा सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आज हम ऐसे स्टूडेंट से बात करेंगे, ऐसा स्टूडेंट जो 9th 10th में है, जेई के बारे में अवेयर है, प्रेप करना चाहता है या ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन वो अपने आसपास के स्टूडेंट्स को देखता है जिसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है बहुत ही यंग एज में, पता नहीं क्या क्या एग्जाम कर लिए, कौन सा ओलंपियाड निकाल लिया है, कौन सी रैंक ऑल इंडिया पता नहीं अच्छी आ गई है। सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर गेटिंग अफेक्टेड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जैक्टली दैट, ओके। इफ यू आर न्यू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेसिंग द नोटिफिकेशन। ओनली इफ यू आर सीरियस अबाउट योर एग्जाम्स, दिस इज अ प्लेस नॉट ओनली फॉर अचीवर्स बट ओनली फॉर दोस हु वांट टू बी अचीवर्स एंड हु वांट टू वर्क हार्ड टू गेट देयर, ओके। अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो मेरे JEE 2026 कोर्स पे आज 25th August is the last date to get the discount and get it for only ₹3,000। उसमें आपके सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं 10th क्लास के, सारे ओलंपियाड, सारे बोर्ड एग्जाम्स और आपकी अर्ली जेई प्रेप का ध्यान रखा जाएगा बाय माई सेल्फ, ओके। तो ऑल डिटेल्स के बारे में बाद में बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आज रात तक उस पर डिस्काउंट है, आज ही लीजिए। तो चलिए बात करते हैं यार ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो अपने आप को थोड़ा सा इन्फीरियर मानते हैं। तो यहाँ पर मैं दो पॉइंट बताना चाहूंगा। पहली तो है रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। तो कई बार यार हमें ऐसा लगता है यार कि दूसरे जो लोग हैं वो हमसे बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और हम खुद को कहीं ना कहीं कमजोर मानते रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई बंदा है उसका लेवल असली ये है, आप समझोगे कि वो यहाँ पर है और आप समझोगे कि, और लेट से आपका लेवल अगर यहाँ है, ठीक है, आप समझोगे कि आप यहाँ पे हो, तो है डिफरेंस इतना सा लेकिन आपको लग रहा है इतना। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप उससे और ज्यादा बेटर होते हो, ठीक है। तो ये भी एक चीज होती है कि कई बार हम अपनी खुद की सेल्फ वर्थ नहीं पहचानते हैं, ओके। और एक चीज मैंने नोटिस की, कई बच्चों में क्या शो ऑफ की आदत भी होती है कि उनको मतलब पढ़ते पढ़ते वो कुछ है नहीं लेकिन ऐसे बताएंगे जैसे बहुत कुछ तीर फार मतलब मचा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में एक लड़का हुआ करता था 10th में, जो मतलब मेरे आसपास की था ही नहीं, वो पता नहीं जबरदस्ती का कॉम्पिटिशन करने आ जाता था, ठीक है। मतलब मैंने तो बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह किए हुए थे और NTC मेरी ऑल इंडिया 1 भी एक्सपेक्टेड रैंक थी, मतलब फर्स्ट स्टेज मेरी फर्स्ट रैंक आई भी थी, वो स्टेट लेवल पर होता है एग्जाम, उसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई थी और एक्सपेक्टेड थी कि यार कल्पित की तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसी रैंक आएगी। तो एक बच्चा था जो मेरे से जबरदस्ती का कम्पीट करता था, कोई कोई मेरे आसपास नहीं था, जबरदस्ती का कॉम्पिटिशन है उसका। मैं तो उससे एकदम फ्रेंडली रहता था, मैं कुछ ऐसे बोलता भी नहीं था यार कि मैं अचीवर हूं, मैं ये हूं, मैं चुपचाप रहता था। वो पता नहीं हर बार ऐसी चौड़ में रहता था कि भाई मुझे बताना कि मैं तो बड़ा होशियार हूं। तो वो क्या करता था, एकदम चश्मा पहन के आता था, चश्मा उसका था 0.25 नंबर का, मतलब चश्मा है नहीं उसका, जबरदस्ती पहन के आ रहा था कि लगे कि मैं तो पढ़ाई करने लग गया हूँ, ठीक है। फिर हाईलाइटर लेके आता था, कुछ भी होता था उसको हाईलाइट करके लिखता था, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर NTSC, ओके, NTSC स्टेज 2, ठीक है। मतलब स्टेज 1 हो गया, उसके बाद उसकी ऐसी चौड़ मच गई कि भाई मैं तो सिलेक्ट हूँ स्टेज 2 में, भाई कल्पित तेरे साथ मैं भी सिलेक्ट हूँ, बैठ जा। मतलब बेसिकली वाज ट्राइंग टू प्रूव दिस, और बाद में रिजल्ट आया पता चला उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और आसपास भी नहीं था। तो कई लोग बस ऐसे शोबाजी करते हैं, चश्मा पहन के आ जाएंगे, जबरदस्ती के शब्द बोलेंगे, बड़े बड़े 11th 12th के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते उनको, लेकिन बस नाम याद कर लिया कि अच्छा ऐसा कुछ होता है क्या, उन्हें नहीं पता, बस बोलेंगे कि यार अच्छा हाँ ये पढ़ा है तो मैंने पढ़ा है, उसको पूछोगे उसको नहीं पता होगा। तो कई बार लोग ऐसे एक्टिंग भी करते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है लेकिन उनको सही में आ नहीं रहा होता है, ठीक है। और ये एक्टिंग थोड़े दिन चलती है, धीरे धीरे तो देखो रिजल्ट ही मैटर करता है, लेकिन इस एक्टिंग के चक्कर में अगर आप अफेक्ट हो गए तो आपका रिजल्ट जरूर बिगड़ जाएगा। तो एक बात समझ के रखिए कि आपके चारों जो बच्चे हैं उनको सही में चीजें नहीं आती हैं, जिसको सही में चीजें आती हैं वो कभी शो ऑफ नहीं करता है और कभी बोलता भी एकदम सिंपल तरीके से बोलता है ताकि समझ में आए। ऐसे कॉम्प्लेक्स बना के कोई अगर बोल रहा है कि ऐसे ऐसे शब्द फेंक रहा है जबरदस्ती के जो आपको समझ ही नहीं आ रहे, यानी वो बस बुलशिट कर रहा है आपको, वो केवल पागल बना रहा है, उसको नहीं आता है, ही इज जस्ट ट्राइंग टू फेक इट अंटिल ही हैज मेड इट व्हिच इज नेवर गोइंग टू, ओके। सो पहली बात तो अफेक्ट नहीं होना है दूसरों की बातों से कि यार आपको लग रहा है कि ये बच्चा बहुत तेज है, नहीं है, मोस्ट लाइकली वो नहीं है, मोस्ट लाइकली ये वाला सिनेरियो हो रहा है कि डिफरेंस कम है आप दोनों में, आपको लग रहा बहुत ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी एक और चीज भी हमें कंसिडर करनी है कि कई बार सच में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। अब चलो ये तो हो गई बात हमारे आसपास के दोस्तों की, लेकिन आपको पता है कि आपके बैच में कुछ बच्चे हैं जो IGSO में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं इस साल,
या अष्टनवमी ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं इस साल, या ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो सीनियर ओलंपियाड से मेडल जीत चुके हैं, या समझ रहे हो, मतलब आप ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो क्लियरली आपको पता है कि आपसे आगे हैं और बहुत ज्यादा आगे हैं, बहुत ज्यादा मतलब अलग लेवल आगे, ऐसे भी बच्चे होंगे। अब उस सिचुएशन से कैसे डील करना है, तो यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी कि यार आज मैं इसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहा था सुबह, एक आपने सुना है लाइन के बारे में y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c ये होती है एक लाइन की इक्वेशन, ठीक है, तो ये जैसे लाइन पे जा रही है, अब ये होता है c कि आपकी स्टार्टिंग कितनी हुई है, और m ये बताता है कि लाइन कितनी तेजी से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये जैसे ऊपर जा रही है कितनी तेजी से ऊपर जा रही है m बताता है, और c कहां से शुरू हुआ है। अब हो सकता है कि ये कोई बच्चा है जो अभी यहां पर है, ठीक है, अभी आप 10th में हो ना, अभी यहां पर है ये बच्चा, ये आपका कोई टॉपर बच्चा है, लेकिन आप अगर यहां से शुरू करोगे आप इससे आगे बढ़ सकते हो अगर आप मेहनत ज्यादा करो। ये देखो ये आपके आईआईटी जेई का टाइम हुआ और आप इस समय से ऊपर हो कि नहीं हो, क्यों, क्योंकि आपने ज्यादा तेजी से अपनी लाइन लंबी की, आपने ज्यादा मेहनत करी, आप भले ही शुरुआत आपने नीचे की थी इस बच्चे से लेकिन एंड में आप इससे ऊपर थे, क्यों, क्योंकि आपने मेहनत ज्यादा करी, आपने खुद में बिलीफ रखा, ठीक है। तो आप अभी शुरू हुई है, आप ये मत देखिए कि बाकी बच्चे कहां पर हैं, बाकी बच्चे भले चांद पर हो, मार्स पर हो, पता नहीं कहां पहुंच गए हो, आइंस्टाइन बन गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें अपनी लाइन लंबी करनी है, हमें अपने आप को होशियार बनाना है कल के कंपैरिजन में, कल हमें कोई चीज नहीं आती थी आज हमें वो चीज आती हो, इतना भी आप करते जाएंगे ना बहुत आगे पहुंच जाएंगे। यार एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अभी वैसे बोलने के लिए मैं बहुत यंग हूं, 24 का ही हूं मैं अभी, लेकिन आपसे शायद मैं शायद 8-10 साल बड़ा होगा, तो मैं एक बात बता देता हूं आपको कि लाइफ ना बहुत लंबी होती है और इसमें बहुत लोग गिव अप मार देते हैं, बहुत लोग, मतलब मेरे कितने सारे दोस्त हैं यार जो 9-10 में मुझे लगता था यार ये तो बहुत ही अलग आदमी है, इससे मैं आगे ही नहीं आऊंगा, आज वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं यार, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं कर रहे, उन्होंने लाइफ पे गिव अप कर दिया है, ठीक है, या फिर कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं या कोई छोटी मोटी रिसर्च कर रहे हैं जिसका कोई एंड ही नहीं है, समझ रहे हो, कुछ सिग्निफिकेंट उन्होंने उखाड़ा नहीं, ना तो कोई पैसा कमाया ज्यादा, ना कोई इंपैक्टफुल चीज की, कुछ नहीं हुआ, बहुत होशियार थे, बहुत ओलंपियाड, ये वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने निकाल रखा था, कोई प्रोग्रेस नहीं है लाइफ में, ठीक है। आज मैं उनसे बेटर कर रहा हूँ डिस्पाइट नॉट डूइंग एज वेल एज देम इन माय अर्ली इयर्स, धीरे धीरे शाइन हुआ मैं, मेरा जब जेई रिजल्ट आया उसके बाद से मेनली मैं शाइन हुआ, ठीक है, उससे पहले भी रिजल्ट थे दो चार, लेकिन कई बच्चे मुझसे आगे भी थे, आईआईटी बॉम्बे में जब गया था तो वहां पे भी कुछ बच्चे मुझसे ज्यादा स्मार्ट लगते थे मुझे, लेकिन आज उनसे ज्यादा अर्न मैं करता हूँ, ठीक है, अगर आप अर्निंग को एक मेजर मानो तो सक्सेस का। तो लाइफ कोई ऐसे लीनियर नहीं होती है, कभी भी कोई भी आगे बढ़ सकता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हमेशा आगे रहूंगा, हो सकता है कोई और बच्चा मुझसे ज्यादा मेहनत करे और मुझसे आगे आ जाए, वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसा ना हो, क्योंकि मैं अपना पूरा ट्राई करता हूँ, ठीक है, मैं अपना स्लोप हमेशा ऊंचे ही रखता हूँ, बट जिस दिन मैंने बंद कर दिया, जिस दिन मैंने मेहनत करनी बंद कर दी कि अरे यार ये हटाओ यार, उस दिन कोई और आगे निकलेगा, और लोग बंद करते हैं, आपको लगेगा कि यार आज जो बच्चा 9th-10th में इतना खतरनाक है वो तो आगे बहुत ही आगे जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कई लोग गिव अप कर देते हैं यार, मैं कैसे बंदे को जानता हूँ, मेरा एक सीनियर था जो मेरे साथ आईजेएसयू के कैंप में गया था और वो टॉप 6 में तो नहीं आया, टॉप 8 या 9 में आया था, ठीक है, वो आईआईटी बॉम्बे सीएस में एडमिशन हुआ, उसकी वहां पे पता नहीं पढ़ने की इच्छा ही खत्म हो गई, उसके फेल पे फेल होता गया, वो मेरे बैच के साथ ग्रेजुएट हुआ, मतलब समझ रहे हो, वो मेरे से एक साथ सीनियर था लेकिन वो फेल हो गया था 2-3 सब्जेक्ट में, तो उसको सब्जेक्ट वापस रिपीट करने पड़े, तो मेरे साथ वो पढ़ा और अभी भी उसकी कोई इतनी अच्छी कोई जॉब वॉब है नहीं। तो लोग गिव अप करते हैं यार, आगे बहुत मौके मिलेंगे आपको, लाइफ बहुत लंबी है, ठीक है, आप अपने पे फोकस करो, आप डेली इंप्रूव करते जाओ, आपको बहुत चांस मिलेंगे आगे बढ़ने के, हो सकता है आज नहीं मिले, हो सकता है कल नहीं मिले, लेकिन परसों तरसों कभी ना कभी मिलेगा, एज लॉन्ग एज यू कीप वर्किंग। अब आपने ही ऐसे बीच में यहां पे पहुंच के हार मान ली तो आप फिर पीछे ही रहोगे उस बंदे से, वो तो मेहनत कर रहे आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो टाइम मिलेगा और टाइम है, अभी आप 10वीं में हो यार, बहुत टाइम है अभी, है ना, तो इन बच्चों को देख के ऐसे अफेक्ट मत हो, ज्यादातर इन बच्चों को कुछ आता है नहीं, पहली बात ये वाला सीनरियो है कि उनको 2-4 चैप्टर आते, 2-3 चीजें रट लिए, वो बस पटर पटर कर रहे हैं, उनको आता कुछ है नहीं, और इन केस अगर आता भी है तो आप अपना मेहनत करो ना यार, आप आगे बढ़ जाओगे। और एक बात मैं बताता हूँ, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 बच्चे ऐसे हैं जिनको 9th-10th में सच में कुछ जेई का आता है, सच में मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग ऐसी कुछ भी रैंडम शिट पढ़ के आ गए, ऐसी उड़ रहे हैं हमें जेई का आता है, हमसे अच्छी वर्मा हो जाती है, बहुत कम लोग है यार, बहुत कम लोग हैं जिनको सच में 9th-10th के अंदर बहुत ज्यादा आता है, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही 0.0001% बच्चे होंगे, और वो जो बच्चे हैं उनको सब जानते हैं, वो आईजेएसयू में पता नहीं कहाँ का तीर फार करके ऑलरेडी आ चुके हैं, 3 बार चुके हैं वो लोग,
बस वो लोग हैं जिनको सच में चीजें आती हैं, बाकी किसी को इतना नॉलेज नहीं होता है यार। 9 10 बहुत बहुत बेसिक बच्चे होते हैं यार, मैंने देखा है। 11 12 के अंदर आपकी बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग होगी और वहां पे असली पता चलता है कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है, तब पता चलता है, क्योंकि तब सच में आपकी रिग्रेस ट्रेनिंग होती है। अभी तो यार जैसा चल रहा है चलने दो, इतना सोचो मत, ठीक है। एंड एनीवे, अगर आपसे कोई आगे है भी और वो मेहनती भी है, तो यार कई बार हम ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते लाइफ में। हम अपना देख सकते हैं, वैसे कंपैरिजन करने जाओ तो यार अब ऐसे तो उसका कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे दिखेगा ही दिखेगा, कुछ भी हो जाए, आप कुछ कोई भी बन जाओ यार, आप बहुत पैसे कमाने लग जाओ, आपको अंबानी दिखेगा, अरे अंबानी मुझसे आगे अंबानी बन जाओ, इलोन मस्क दिखेगा, अब इलोन मस्क बन जाओ, इलोन मस्क की पर्सनल लाइफ बड़ी खराब है, आप देखिएगा उसके बारे में कभी, तो कोई एंड नहीं है इस चीज का। हर पर्सन की लाइफ में कुछ खराब है, कुछ अच्छा है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपना बेस्ट दे सकते हैं अपने आप को बेटर करने के लिए, ठीक है। जब तक आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, आपको खुश रहना चाहिए। भली रैंक 10,000 आए, भली रैंक 10 लाख आए, भली रैंक 1 आए, आपने अपना बेस्ट दिया, दैट इज इनफ, ओके। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो प्लीज डोंट लेट योर सेल्फ गेट अफेक्टेड बाय सीइंग प्रोग्रेस ऑफ अदर्स, फोकस ऑन जस्ट योर सेल्फ, अपना इंप्रूवमेंट करें। आज भी कोई देर नहीं, भी आप 10वीं में हो यार, बहुत अर्ली हो लाइफ में। लोग तो पता है 25 26 साल की उम्र में सीरियस होते हैं अपने करियर को लेकर, जिंदगी को लेकर। आप तो 15 साल के हो यार, आपके पास बहुत टाइम है अभी, मतलब आपको सच में आप ओवर एस्टिमेट करते हो कॉम्पिटिशन को, आपका कॉम्पिटिशन कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट, मूव अहेड, एंड इफ यू नीड मोर हेल्प, JEE 26 कोर्स में एनरोल हो जाओ, लेकिन आज रात तक हो जाना 25 अगस्त, ठीक है, क्योंकि उसके बाद इसकी कीमत बढ़ जाएगी। अभी उस पर 2,000 रुपीज की सेविंग चल रही है, केवल 3,000 रुपये में आपका पूरा 1 साल का कोर्स रहेगा, जबकि 11th तक लास्ट करेगा, 11th में भी कुछ महीनों तक, 1 साल का है ना पूरा वो, तो उसमें आपका पूरा 10th कवर होगा, 9th भी कवर होगा अगर आपको कुछ रिवाइज करना है, आपका उसमें सारे NTSC ओलंपियाड सब चीज कवर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका उसमें JEE के भी कई चैप्टर्स की अर्ली पढ़ाई हो जाएगी, विद DPP, विद सॉल्यूशन, विद टेस्ट सीरीज, विद सॉल्यूशन। और हेल्प चाहिए और पढ़ना है, बताओ हमें, हम देंगे मटेरियल, कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से पढ़ो, पढ़ने को आप 500 जगह से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको फर्स्ट रैंक लानी है, अगर आपको बेस्ट जगह जाना है, IIT बॉम्बे CC जाना है, तो आप ऐसे जगह से पढ़ो जहां पे वो बंदा खुद ये चीजें कर चुका हो, बस ऐसे फेंक नहीं रहो, खुद की हुई है चीजें, जितने भी बोले ना, NTSC टॉप मारा हुआ है, IGSO निकाला हुआ है, RMO वगैरह सब चीजें जो भी हम पढ़ाते हैं सब कुछ मैंने किए हुए हैं, ठीक है। RMO का भी हमारा कोर्स चलता है, मैथ्स ओलंपियाड का, सब चीजें की हुई है, फिर बातें करने आया हूं यहाँ पर, ठीक है। तो इफ यू वॉन्ट टू स्टडी फ्रॉम समवन सो एक्सपीरियंस विद ऑल इंडिया रैंक 1, देन गेट इट। और केवल 3,000 की तो है यार, कोई बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं मांग रहे, ऐसे भी 3 लाख रुपए मांग रहे, इट जस्ट 3,000 रुपीज, इट विल बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट फॉर यू, ओके। सो गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड गेट इट टुडे इटसेल्फ, ओके। ज्यादा टाइम मत बिगाड़ना, क्योंकि तो डिस्काउंट भी चला जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका समय चला जाएगा, ठीक है। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो, पसंद आई वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। आपको कोई क्वेरी हो, मेरा इंस्टाग्राम ट्विटर लिंक्डइन ये सब नीचे लिंक्ड है, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, फॉलो कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय।